हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है फंक्शन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। तो जो हमारा सिस्टम डिज़ाइन है उसके टू लेवल्स हैं। तो पहला लेवल है जिसमें हम जो SLS डॉक्यूमेंट की स्पेसिफिकेशन होती है उसके बेस पे मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं और वो मॉड्यूल्स आपस में कैसे इंटरकनेक्ट हैं वो चीज़ हम क्रिएट करते हैं। मॉड्यूल्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो ये क्या डिफाइन कर रहा है? द डिज़ाइन प्रोसेस फॉर सॉफ्टवेयर सिस्टम often has two level. At the first level, the focus is on deciding which modules are needed for the system on the basis of SRS and how the module should be interconnected. And second है हमारा function oriented design approach. अब इसमें क्या होता है, जो हमारे module बने हैं, ठीक है, हम जो design interactive वे में क्रिएट करते हैं कि वो हमारे यूज़र के सामने जो डिज़ाइन है तो उसे पता चल सके कि हमारी जो फंक्शनिंग है वो किस तरह की है, हमारा जो डेटा फ्लो है वो कहाँ से किस कहाँ हो रहा है। तो ये क्या डिफाइन करता है? फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन इज़ एन अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डिज़ाइन वेयर द डिज़ाइन इज़ डिकम्पोज्ड इनटू अ सेट ऑफ इंटरैक्टिव यूनिट। ईच यूनिट हैज़ अ क्लियरली डिफाइंड फंक्शंस। नेक्स्ट different levels of function oriented design. Function oriented design strategy are as follow. First is data flow diagram, second is data dictionary, third is structure chart. इन तीनों में से हम जो है वो DFT को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब DFT क्या होती है? DFT जो है वो data flow diagram के लिए use होता है। Basically यह हमें क्या बताता है, जो हमारा data flow हो रहा है एक module से दूसरे module तक। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने किसी वेबसाइट पर रजिस्टर करना है तो जब हम लॉगिन करके अपनी डिटेल डालते हैं तो जो वो हमारी डिटेल है वो कहीं पे तो फ्लो होती है, तभी जो है जो उस वेबसाइट का एडमिन है उससे पता चलता है कि हम एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र हैं या नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है वो डेटा का फ्लो है, ठीक है। तो हम क्या बता रहे हैं, बेसिकली डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है उसके फ्लो के बारे में बता रहे हैं। सेकेंडली जो DFT है वो एक सिस्टम का ओवरव्यू देती है विदाउट उसकी ज़्यादा डीप में जाने से। हमें एक सिस्टम का ओवरव्यू दिख जाता है कि हमारा सिस्टम किस तरह का होगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं DFT के। DFT डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनटू एंड आउट ऑफ द सिस्टम। द फ्लो ऑफ डेटा ऑफ अ सिस्टम और अ प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय DFT. Data flow diagram is graphical representation of flow of data in an information system. Further है components of DFT. अब हमारे जो हम DFT क्रिएट करेंगे उसको क्रिएट करने के लिए कुछ बेसिक कॉम्पोनेंट है उसके बारे में। फर्स्ट है हमारी एंटिटी। जो हमारी एंटिटी है वो एक ओवल के साथ, सर्कल के साथ जो है रिप्रेजेंट होती है। अब एंटिटी क्या है? एंटिटी वो चीज़ है जो एक किसी प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो हमारा डेटा है उसका सोर्स और डेस्टिनेशन क्या होगा। सेकंड है हमारा प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या है, यहाँ पे डिफाइन किया गया है, एक्टिविटीज़ एंड एक्शन टेकन ऑन द डेटा आर रिप्रेजेंट बाय सर्कल और राउंड एज रेक्टेंगल। अब ये सर्कल से रिप्रेजेंट हो रही है। अब इसमें क्या कहा गया है, बेसिकली जो हम काम कर रहे हैं, जो मेन उसका एक्शन है हमारे DFT का, वो हमारा प्रोसेस है। थर्ड है हमारी डेटा स्टोरेज। अब कोई भी वेबसाइट बनती है तो उसका कहीं ना कहीं एक डेटाबेस होता है। तो डेटा स्टोरेज क्या है? स्टोरेज जहाँ पे हमारी डेटाबेस बनेगा उस वेबसाइट का। तो ये क्या डिफाइन करा है, देयर आर टू वेरिएंट ऑफ डेटा स्टोरेज। इट कैन ईदर बी रिप्रेजेंट एज अ रेक्टेंगल विद द एब्सेंस ऑफ अदर स्मॉलर साइड्स और एज एन ओपन साइडेड रेक्टेंगल विद ओनली वन साइड मिसिंग। फोर्थ है डेटा फ्लो। अब डेटा फ्लो क्या बताता है हमें, ये एरो से शो होता है, पॉइंटेड एरो से, और ये बताता है कि हमारा डेटा किस तरफ मूव कर रहा है। जिस तरफ हमारा एरो पॉइंटेड होगा उस तरफ हमारे डेटा का फ्लो होगा। ये क्या डिफाइन करता है, मूवमेंट ऑफ डेटा इज शोन बाय पॉइंटेड एरोज। डेटा मूवमेंट इज शोन फ्रॉम द बेस ऑफ एरो एज इट सोर्स टूवर्ड हेड ऑफ द एरो एज डेस्टिनेशन। फर्दर है हमारे लेवल्स ऑफ DFT. DFT के कितने भी लेवल हो सकते हैं, बट जो हमें मेन जो है DFT हमें लेवल 2 तक पढ़नी होती है। तो इसका कोई
वैसे खास रूल नहीं है लिखने का। तो सबसे पहले है लेवल ज़ीरो, और जो लेवल ज़ीरो है ये कंटेक्स्ट डायग्राम होता है। इसमें जो हम मेन जो हमारे जिस प्रोसेस की हमने जिस सॉफ्टवेयर की हमने DFT क्रिएट करनी है उसको हम एज अ प्रोसेस ले लेते हैं। प्रोसेस हमारा सर्कल से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हम किस चीज़ की DFT क्रिएट करें, यहाँ पे एक रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम की। तो जो हमारा रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है उसको हमने प्रोसेस ले लिया है, और दो एक्सटर्नल एंटिटीज़ जो मेन रिस्पॉन्सिबल है इस प्रोसेस को रन करने के लिए, वो है पैसेंजर और दूसरा एडमिन जो इस रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम को चलाएगा। वो दो हमने क्या ले ली हैं, एक्सटर्नल एंटिटीज़ ले ली हैं। और जो पॉइंटेड एरोज़ हैं वो हमें मेन फंक्शन बता रहे हैं कि कौन से रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम के मेन फंक्शंस हैं। देन है लेवल वन ऑफ DFT। अब लेवल वन में क्या है, जो हमारा लेवल ज़ीरो की DFT होगी हम उसे थोड़ा और एक्सपैंड कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, जो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम था उसको हमने डिवाइड कर लिया है दो प्रोसेस में, एक है रिजर्वेशन प्रोसेस और एक है इंक्वायरी का। और जो हमारी एंटिटीज़ थी वो भी हमारी डिवाइड हो चुकी है, एक है पैसेंजर की, देन हमारी है टिकट जनरेशन प्रोसेस, रिपोर्ट टू एडमिन। इसके अलावा हमारे डेटाबेसिस यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिए हैं रिजर्वेशन स्टोरेज के लिए, डाउन स्टोरेज के लिए, अप स्टोरेज के लिए। तो ये क्या डिफाइन कर रहा है, लेवल वन ऑफ DFT कंटेक्स्ट डायग्राम इज डिकम्पोज इंटू मल्टीपल बबल प्रोसेस। इन द लेवल वी हाईलाइट द मेन फंक्शन ऑफ द सिस्टम एंड ब्रेक डाउन द हाई लेवल प्रोसेस ऑफ जीरो लेवल DFT इंटू सब प्रोसेसेस। अब है हमारा लेवल टू ऑफ DFT। टू लेवल DFT गोज ऑन स्टेप डीपर इंटू पार्ट ऑफ वन लेवल DFT। इट कैन बी यूज टू प्लान और रिकॉर्ड द स्पेसिफिक नेसेसरी डिटेल अबाउट द सिस्टम फंक्शनैलिटी। अब जो हमारे लेवल वन की DFT थी हम उसकी और ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं, प्रोसेस को हम और ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं। तो अब क्या है, इसमें हम जितने सर्कल्स देख रहे हैं वो सारे हमारे प्रोसेस हैं, डिफरेंट प्रोसेस जो एक रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में होंगे। तो देखिए रिजर्वेशन प्रोसेस जो है ये हमारा मेन प्रोसेस है, इसके साथ एक प्रोसेस कनेक्ट है क्वेरी प्रोसेस। अब क्वेरी क्या होगी किसी रिजर्वेशन सिस्टम में, कि हमारी ट्रेन कब आनी है, उसका टाइमिंग तो नहीं चेंज हुआ, वो ऑन टाइम है या नहीं। तो उसके साथ एक एंटिटी है वो है रिपोर्ट, और रिजर्वेशन का वहाँ पे एक डेटाबेस बना हुआ है। इसके साथ ही एक इंक्वायरी का प्रोसेस है, रेलवे डिपार्टमेंट का प्रोसेस है, कैंसिलेशन प्रोसेस है, सर्चिंग प्रोसेस है, कंफर्मेशन प्रोसेस है, वेटिंग प्रोसेस है, टिकट जनरेशन प्रोसेस है, और उनके डेटाबेसिस हैं और उनसे रिलेटेड जो है एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं। और पॉइंटेड एरो हमें बता रहा है कि जो हमारा प्रोसेस है वो और जो डेटा है वो कहाँ से कहाँ को फ्लो कर रहा है। बेसिकली जब हम DFT क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम पेपर पेन लेके एक रफली आइडिया बनाते हैं किसी भी सिस्टम का, कि इस सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं। ये सेकेंड लेवल के DFT हैं, इसके कुछ हमारी सोच पे है कि हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस भी ऐड कर सकते हैं जो यहाँ ऐड नहीं हो पाए हैं। तो DFT बेसिकली क्या है, हमारी सोच है हम उसे कितना ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट डेटा डिक्शनरी। अब डेटा डिक्शनरी क्या है, जो DFT में जितने भी हमारी आइटम्स डिफाइन की गई हैं उनको स्टोर करना जो है वो डेटा डिक्शनरी का काम है। वो डेटा डिक्शनरी में बेसिकली स्टोरेज होती है। डेटा डिक्शनरी आर सिंपली रिपोस्टोरीज टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल डेटा आइटम्स डिफाइंड इन DFT। देन हमारे स्ट्रक्चर चार्ट, इट रिप्रेजेंट हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉड्यूल्स। इट ब्रेक डाउन द एंटायर सिस्टम इनटू लोएस्ट फंक्शन मॉड्यूल, डिस्क्राइब फंक्शंस एंड सब फंक्शंस ऑफ ईच मॉड्यूल ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ ग्रेटर डिटेल। अब स्ट्रक्चर चार्ट में हमारी क्या है, हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन होती है मॉड्यूल्स की, कि हमारे मॉड्यूल्स ऊपर से नीचे किस फॉर्म में जा रहे हैं, सबसे पहले कौन सा मॉड्यूल आएगा, उसके सब मॉड्यूल्स क्या रहेंगे, उसके फर्दर क्या सब मॉड्यूल्स रहेंगे। तो आई होप आपको DFT क्लियर होगी हो, थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ये तब ज़्यादा क्लियर होगी। तो फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।